हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बीज 2 के पार्ट 45 में। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से हमें नए प्लांट मिलते हैं और कौन कौन से नए ज़ॉम्बीज हमारी बैंड बजाने आते हैं। तो फिलहाल गेम शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हों वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो उन्हें अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए फटाफट हम अपने प्लांट्स को कर लेते हैं चूज। और अभी हम है डे 17 में। तो भाई डे 17 में हमारी भिड़ंत कैसे होने वाली है इनसे। तो अपने प्लांट्स को हम फटाफट लगा लेते हैं। पहले हमें फिलहाल सनफ्लावर की जरूरत और हमारा हीरो पहले एकदम बाल सवारे बिल्कुल झकास स्टाइल में आ चुका है, जिसको लपेट के हम ले गए हैं बिल्कुल समंदर के नीचे। क्या करे क्या, बिजली के झटके दे। आराम से बीच पे घूमने आए हो बेटा, आगे मत निकल जाना। बच गए भाई, एकदम एंड टाइम पे जला कर रख किया है हमारे प्लांट्स ने। अरे यार ये कहाँ रख दिया मैंने, शेह कोई बात नहीं, अच्छे टाइम पे हमें पावर भी मिल गई जो कि हमें बचा लेगी। अरे लो ऑक्टोपस का देवता भी आ गया जो फेंक फेंक के ऑक्टोपस मारेगा। और ये हमारे प्लांटों को बिल्कुल माँ की गोद में लिए हुए जैसे एकदम ठक लेते हैं। ना हमारे ज़ॉम्बीज को मत मारो, आराम से मेरी गोद में बैठो। कमाल के हैं ये भी, मतलब अगर 3-4 ऑक्टोपस ऐसे ही आ जाए और फेंक फेंक के 10 ऑक्टोपस भी मार देना तो मेरे तो सारे के सारे प्लांट बिल्कुल गायब और हो चुका मिशन क्लियर। अच्छी बात यह है कि हमें पावर मिलती जा रही है इसमें फटाफट। 2 ऑक्टोपस फेंक के मारे भाई, एक और पावर मिली, फटाफट यूज करते हैं क्योंकि अगर इन्हें हमने मौका दिया तो ये हमारी लंका लगा देंगे, वो भी सॉलिड। तो चलिए डे 17 भी कंप्लीट हमारा, तो चलते हैं डे 18 की तरफ और देखते हैं डे 18 में कौन सा मुर्गन्ना वर्गन्ना आते हैं हमारी ऐसी तैसी बजाने। गुकोडाइल, ओके देखते हैं ये नया प्लांट कौन सा है भाई। गुकोडाइल लग तो बिल्कुल खिलौने की तरह रहा है। अब देखते हैं काम क्या है इसका और क्या है इसकी खास बात जो कि हमें ज़ॉम्बीज से लड़ने में और भी आसानी होगी। फिलहाल तो ये पास चलते चले जा रहे हैं और अभी तक ये कुछ कर नहीं रहे। अरे कुछ तो करो बच्चा, चलो। अरे एकदम पास जाने पे ये काट रहे हैं। ओहो क्या बात, मतलब पानी रहेगा तो ये कुछ नहीं बोलेंगे, पास जाने पे बिल्कुल खुजर मारते हुए आगे निकल जाएंगे और पानी नहीं रहेगा ये मुंह से शूट करेंगे, मतलब डबल काम। सही है, तैरते हुए फायर नहीं और जमीन पर रहने पे फायर। भीड़ मच गई भीड़, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये भीड़ हम तक न पहुंच पाए, मतलब बॉर्डर तक डेव का भेजा न खा पाए। बेचारा डेव शुरू से अपने भेजे को बचाते चले आया है और लास्ट मोमेंट पे जाते जाते भाग कर हमारे डेव का कोई भेजा खा जाए तो ये तो बिल्कुल गलत बात। पास पहुंच रहे हैं। एक तो ये प्लांटों को जो ऑक्टोपस एकदम गोद में लेकर बैठ जाते हैं ना, कमाल है मतलब यार, लेकिन जाने नहीं दूंगा बिल्कुल बॉर्डर पे, मजाक में मत लेना भाई।
नजदीक पहुंच गया। कोई बात नहीं, लेकिन बस ध्यान रखना हो कि उस लेन में कोई बंदर ना पहुंचे, नहीं तो हमारे तो वाट लगाएगा। लग रहा दूसरा बैकअप भी गया, वो दो बैकअप गए। एक और बैकअप गया हमारा। मॉन्स्टर को खींच ही नहीं पाई। शेट यार ये, और वाह वो पावर यूज करने तो पड़े, लेकिन करना ही पड़ेगा, नहीं तो अभी गेम खत्म हो जाता। तो चलिए इसी के साथ हमारा डे 18 भी कंप्लीट। वैसे था मस्त गुकोडाइल हमारा। गुकोडाइल की दो खास बात देखेंगे, आगे यूज हम करेंगे इसे। फिलहाल डे 19 की तरफ चलते हैं। तो डे 19 में हमें सिर्फ दो प्लांट सेलेक्ट करने हैं, जिसे हम फटाफट सेलेक्ट करके चलते हैं आगे। भाई बहुत दिनों बाद मेज प्लांट को यूज करेंगे, बिल्कुल मक्खन फेंक के जमा देने वाला। काफी टाइम बाद इसे हम यूज कर रहे हैं, जो कि अच्छा खासा बिल्कुल अपग्रेड भी है। पावर फिर से जमाएंगे हम एक साथ। ओ ओ ऑक्टोपस, इसे खत्म करना जरूरी, नहीं तो ये ऑक्टोपस फेंक फेंक के मेरे सारे प्लांटों की ऐसी तैसी कर देगा। गया ले बैठे, चेरी बम उड़ा डालूंगा। बाप रे, ये तो जैसे एकदम बिल्कुल खा जाने के चक्कर में आ रहे हैं भीड़ मचाते हुए। बूफ, चलिए तो हमारा डे 19 भी कंप्लीट है। इसी के साथ मिला हमें गुकोडाइल। ओके, तो अब देखते हैं क्या है डे 20 में। एकदम पानी बिल्कुल नाक तक पहुंचा हुआ है, तो इसमें बड़ा संभल के हमें खेलना पड़ेगा। चर एकदम सही टाइम पे काला जल कर रख हुआ है भाई। क्या करें, यूज नहीं करते तो अभी तक ये हमारे प्लांट को खा के आगे बढ़ चुकी होती। कभी कभी करना पड़ता है इस्तेमाल, और इसमें आप सब कुछ चीजों का इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे तो ये जॉम्बीज तक पक्का डेव का भेजा खा जाने वाले हैं। Yeah.
अरे बाप रे, अचानक पानी खत्म, कमाल है। कभी कभी एकदम सरप्राइज मिल जाता है इसमें। ये लो, दो दो आ गए। अब ले ऑक्टोपस पे, ले ऑक्टोपस, ले ऑक्टोपस पे, ले ऑक्टोपस, और मेरे सारे प्लांट को ये गोदी में ले लेंगे। धर तेरी की। मैंने गलत लगा दिया है बॉलिंग बॉल को, बिना लेली पैट के लहरें आएंगी और पक्का डुबो देंगी एक ही बार में। अबे सर्फिंग के देवता, धड़ पावर। अभी एक किनारे पर इन्होंने आतंक मचा कर खा लिया। आए मेरे पास भी कुछ ना कुछ बचा ही रहता है। पावर मिली, पावर मिली, वैसे मस्त है, इसमें पावर बहुत धड़ाधड़ में मिली है। आ गया हमारा गुलाबी गुब्बारा, बड़ा सा फूला हुआ मोटा भैंसा। मजा आया बेटे। अबे तेरी तो, अकेले तू लड़ेगा देर तक। चलिए तो फिलहाल हमारा डे 20 में कंप्लीट। क्या मिला है भाई? स्ट्रेंज स्टैचू। ओके, तो ये मुझे लग रहा है कि साइड मिशन का है। ये साइड मिशन का ही है। कोई नहीं, इसे हम करेंगे बाद में पार। तो चलते हैं डे 21 की तरफ। और ये मिशन तो मेरा बहुत शानदार है यार। साइड में प्लांट आते रहे, बस रखते चले जाओ और इनकी फाट लगाते चले जाओ। अरे वाह, नया प्लांट, क्या है खास बात भाई इसकी? ओके, तो ये नुकीले तीर। अरे वाह, मतलब एक ही साइड नहीं भाई, ये किसी भी तरफ फायर कर सकता है। क्या बात है, ऐसे प्लांट तो मिल जाए ना तो स्टेज तो वैसे भी पटापट क्लियर हो। और देखते हैं पावर यूज करके, पावर ये कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी नहीं, अभी ढेर सारा को आ जाना चाहिए। लेकिन ये चीज मुझे बहुत मस्त लगी, कहीं भी फायर। अरे वाह, अब तो मैं आगे इन्हीं को यूज करने वाला हूँ पक्का। एकदम सॉलिड प्लांट है ये, मजे आ गए। क्या बात, अगर इनको दो लेन में लगा दूं ना तो किसी की हिम्मत नहीं जो आगे बढ़ सके। मतलब एक भी इसमें चारों तरफ की कंडीशन को संभाल लेगा। शानदार। ओके, तो इसी के साथ डे 20 भी हमारा फिनिश। तो आए फिलहाल हमें इसमें भी बहुत मजे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना प्यार मेरे साथ ऐसे बनाए रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।